नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ही एक नई स्कीम का लॉन्च किया है एंड दैट न्यू स्कीम इज कॉल्ड दी अग्निपथ स्कीम। इस वीडियो में वी विल ट्राई टू डू दी एनालिसिस और एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम क्या है, क्यों है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये बोलते हैं कि इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट नेशनल सिक्योरिटी। व्हाई इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट, इस स्कीम में नया ऐसा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ये नया थॉट है रिक्रूटमेंट का। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आइडिया है इस स्कीम के पीछे, वो ये है कि किस तरीके से हम लोग यूथ को और यूथ की एनर्जी को एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज कर पाएं, ताकि यूथ की एनर्जीज अगर एक डायरेक्शन में चैनलाइज होंगी तो कहीं ना कहीं यूथ विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट नॉट ओनली फॉर देयर ओन वेलफेयर बट वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन बाई बींग अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि दिस स्कीम and this kind of an idea was actually recommended for the first time by the Kargil Review Committee. तो जब कारगिल का conflict इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1999 में, कारगिल conflict का एक कारण ये था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स बन चुके थे और उन दोनों के न्यूक्लियर स्टेट्स होने के कारण एक न्यूक्लियराइजेशन के बाद एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने हमें प्रोवोक करने की कोशिश करी और वो पाकिस्तान का प्रोवोकेशन एक तरीके से कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में मैनिफेस्ट किया। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक तरीके से जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, उस कारगिल रिव्यू कमेटी में ये बात बोली गई कि किस तरीके से हम एक अप्रोच अपनाएंगे कि जैसे कि जो यूथ है कंट्री का उसको एक रोल प्ले करने के लिए दिया जाए। कारगिल रिव्यू कमेटी के माइंड में एक सिंपल सा नोबल आइडिया था। उनका मानना यह था कि जो यूथ है कंट्री का वो एक तरीके से एजाइल है, वो एक प्रोग्रेसिव थॉट रखता है, वो न्यू आइडियाज को इजीली अब्सॉर्ब करता है। इस कारण से कारगिल रिव्यू कमेटी ने एक रिकमेंडेशन ये दिया कि जो यूथ है उसको खास करके ग्राउंड ड्यूटीज पे लाना, और जिस तरीके का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूथ को इस तरीके के शॉर्ट स्पेक्ट्रम कॉन्फ्लिक्ट जिनको हम बोलते हैं इसके लिए रेडी करना, इस थॉट को कारगिल रिव्यू कमेटी ने पूरे कंट्री के सामने एक तरीके से पेश किया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूथ है कंट्री का, दैट यूथ बेसिकली शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनल सिक्योरिटी। एंड ये यूथ क्या रोल प्ले करेगा, ये यूथ जो है हमारे कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? तो सबसे पहले आप इस चीज को जान लीजिए कि जैसा कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी ये बात बोली कि यूथ विल इंश्योर कि दे आर मोर ओपन टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। Youth will have their own ideas. They will be able to bring their ideas into the national security. So it is a win-win situation for both, where the youth is able to channelize their energy in a positive direction, and at the same time, the country's national security gains because of the expertise of the youth. तो ये larger idea था। अब government of India ने जो आज ये scheme announce करी, उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग 4 साल के period के लिए अग्नि वीरों को recruit करेंगे, और ये अग्निवीर जो हैं ये सोल्जर्स होंगे जो आर्मी में जाएंगे हमारे, ये एयरमैन होंगे जो हमारे एयरफोर्स में जाएंगे, ये सेलर्स होंगे जो नेवी में जाएंगे। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि पैन इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल है, हर एक स्टेट में एप्लीकेबल है। इन लोगों को, अग्निवीर को, हम 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे। 4 साल के पीरियड की सर्विस के बाद इसमें केवल एंड केवल 25% लोगों का रिटेंशन किया जाएगा, बाकी लोगों को रिलीविंग दे दी जाएगी और उनको एक तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनको वापस अपने पुराने फील्ड्स में भेज दिया जाएगा। अब जो 25% लोगों की रिटेंशन होगी, जो अग्निवीर 25% रिटेन होंगे, उसका क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन देयर मेरिट, यानी कि 4 साल कितने डेडिकेटेडली, कितने मेरिटोरियसली ये अग्निवीर अपना कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं व्हेन दे आर इन द सर्विस। दूसरा, देयर विलिंगनेस टू सर्व, कि 25% लोग जो सिलेक्ट किए जाएंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये भी होगा कि आर दे इवन विलिंग टू सर्व। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फिजिकल फिटनेस ऑफ दीज पीपल। सो 3 पॉइंट क्राइटेरिया के बेसिस पे 25% का रिटेंशन होगा। ये तो बेसिक्स थे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये स्कीम चाहिए क्यों थी, वाई डिड वी नीड दिस स्कीम। सो दिस स्कीम वॉज नीडेड फॉर 3 ब्रॉड रीजन्स। फर्स्ट, पब्लिक फाइनेंस में एक बहुत बड़ा डिफेंस को लेके हमारे एक चैलेंज आ रहा था। वी हैव अ वेरी ह्यूज डिफेंस फोर्स, दैट इज ऑल्सो बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एडवर्सरीज हु आर
ट्राइंग टू सबवर्ट अस सैबोटेजर्स. टुडे वी विटनेस द राइजिंग हाइब्रिड वॉर थ्रेट्स. सबवर्जन, सैबोटाज, हाइब्रिड वॉर, ये सारे टर्म्स आपको क्या है ये मेरी इंटरनल सिक्योरिटी की बुक में भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. हमारे पास एक बहुत बड़ी आर्म्ड फोर्स है दोस्तों. इस आर्म्ड फोर्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत समय से बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि जब आप एक आदमी को रिक्रूट कर लेते हैं परमानेंट लेवल पे, तो परमानेंट लेवल के बाद उस बंदे को एक तरीके से आपको उसकी सर्विस टेन्योर तक के लिए रखना है. सर्विस टेन्योर के बाद आपने उसको जब आपने रिटायर करना है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन देनी है. इस कॉन्सेप्ट में अग्निवीर जो हम रिक्रूट कर रहे हैं वो केवल 4 साल के लिए. तो नाउ ट्राई एंड कंपेयर द टू कि आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बलूनिंग सैलरीज. बलूनिंग सैलरी का मतलब हुआ कि सैलरीज आर्म्ड फोर्सेज में जो गवर्नमेंट को एक तरीके से एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है वो बढ़ती जा रही है, साथ में पेंशन उनको देना बढ़ता जा रहा है. लेकिन सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, पेंशन देनी पड़ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम रिक्रूटमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करें. इसीलिए मैंने पिछली स्लाइड में आपको बोला था कि अग्निपथ स्कीम जो है एक तरीके से न्यू थॉट है. ये न्यू थॉट क्या है? ये न्यू थॉट ये है कि बिना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे हम एक तरीके से एजाइल प्रोफेशनल लोगों को टेम्पररी पीरियड के लिए रिक्रूट करके उनकी सर्विसेज लेके कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करें और साथ साथ इतना भी इंश्योर करें कि पब्लिक फाइनेंस पूरा एक तरीके से इफेक्टिवली मैनेज हो जाए. तो पब्लिक फाइनेंस पे बर्डन ना आए, पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन ना आए और नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो. ये तीनों चीजें इस स्कीम का बहुत बड़ा कोर फीचर है, इस स्कीम का बहुत बड़ा बैकबोन है. इसके साथ साथ अगर हम देखें कि हाउ डज दिस स्कीम हेल्प अस टू इवन स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि इस स्कीम में कोई अफसरों का रिक्रूटमेंट नहीं है. जो लोगों का रिक्रूटमेंट है, जो सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, सोल्जर्स हैं, ये ग्राउंड ऑफिशियल्स हैं. इनको हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके के आर्म्ड फोर्सेज के लिए स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है. ये जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है ये एकदम ग्राउंड लेवल पे कॉम्बैट जोन में जाएगी. इसके कॉम्बैट जोन में जाने से क्या होगा, अब आप एक मिनट के लिए समझिए इस चीज को. हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम यंग लोगों को रिक्रूट करते हैं 17, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में, ये लोग अपने साथ एक टेक्नोलॉजी का एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, ये लोग अपने साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की एक विलिंगनेस लेके आ रहे हैं. इन लोगों को अगर हम आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती करके इनकी सेवाएं लेते हैं, आर्म्ड फोर्सेज का पूरा टेक्निकल थ्रेशोल्ड बढ़ता है. क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, आज की डेट में हमारा देश विटनेस कर रहा है बहुत बड़ा थ्रेट ऑफ हाइब्रिड वॉर. हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया इज विटनेसिंग हाइब्रिड वॉर्स, वी हैव टू टैकल दीज हाइब्रिड वॉर्स. सबसे बड़ी चीज ये है कि हाइब्रिड वॉर के लिए हमें टेक्निकली एजाइल आदमी चाहिए. टेक्निकली एजाइल आदमी वो है जिसके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है बल्कि टेक्निकल स्किल्स को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी है, जो कि ये यूथ के पास है. इसलिए ये अग्निपथ स्कीम एक नई थिंकिंग है, एक नया थॉट है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड वॉर एक फॉर एग्जांपल होता क्या, अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज में बोलूं, हाइब्रिड वॉर में आपका जो एडवर्सरी है, आपका जो एनिमी है, वो आपको एक तरीके से सबवर्ट करेगा थ्रू मीन्स विच आर अदर देन वॉर. अदर देन वॉर मीन्स कि वो डायरेक्टली आपसे लड़ाई नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली आपसे लड़ेगा. वो आपके साथ एक प्रोपोगंडा कैंपेन करेगा, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करेगा, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन करेगा. इन सारी चीजों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा. और अगर इन सारी चीजों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो हमारे को अपने वॉरियर्स को ट्रेन करना है इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए. ये स्कीम प्रिसाइसली वो कर रही है. ये यूथ को रिक्रूट कर रही है और यूथ को ट्रेन कर रही है कि ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इस हाइब्रिड वॉर का काउंटर ऑफर करें. तो यहां पर इस चीज को समझिए. और ये यूथ को रिक्रूट इसलिए कर रही है क्योंकि यूथ जो है ओपन माइंडेड होता है. यूथ टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करेगा, एक्सेप्ट करेगा. उसको हाइब्रिड वॉर को काउंटर करने के लिए जो हमारे को एक टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा.
इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस से हम एक स्पेशलाइजेशन का असेसमेंट कर पाएंगे अपने फोर्सेज में कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें किस तरीके की स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू टैकल दी हाइब्रिड वॉर्स इन द फ्यूचर। तो ये स्कीम ऑपरेशनली नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रही है, पब्लिक फाइनेंस वाइज ये स्कीम बिना पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सचेकर को हार्म किए हुए हमें सोल्यूशन दे रही है, और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्कीम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्कीम इज कि ये स्कीम जोश और होश का बैलेंस है। ये आपको सोसाइटी में एक ऐसा नरेटिव क्रिएट कर रही है कि वेयर द पीपल विल बिकम मेंटली एजाइल, बिकॉज वेन द यूथ बिकम्स पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज दे विल इनकलकेट अ सेंस एंड कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, दे विल बिकम मेंटली एजाइल, दे विल गो फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड। ये स्कीम के सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत है, एकजुट होना, भाईचारे से रहना, अनुशासन से रहना, मेंटली एजाइल रहना, ये लोगों को ये स्कीम सिखाएगी, जोश और होश को बैलेंस करना। ये स्कीम एक सोशल लेवल पे इंडिया के लिए लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सिमिलरली चैलेंजेस क्या क्या हैं? अब देखिए, हमने बोला कि भाई हम 4 साल के पीरियड के लिए रिक्रूट करेंगे और उसके बाद 25% स्टाफ को रखेंगे और 75% को रिलीव कर देंगे, और हमने इनको ये बोला कि हम ये जो अग्निवीर हैं हमारे इनको हम कॉम्बैट जोन में कॉम्बैट ड्यूटी पर रखेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, आर्मी अफसर जो पुराने हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनका एक बहुत बड़ा मानना है कि किसी भी सिचुएशन में एक सोल्जर को, एक सैनिक को कॉम्बैट रेडीनेस लाने के लिए 7 से 8 साल का समय लगता है। यहां पर हम 4 साल के लिए उसको केवल रिक्रूट कर रहे हैं। ये 4 साल में हम उसको कॉम्बैट रेडी कैसे बनाएंगे? देखिए, ये क्रिटिसिज्म वैलिड है, बट दूसरी चीज देखिए दोस्तों, ये क्रिटिसिज्म अक्सर आ रहा है रिटायर्ड आर्मी अफसरों से। हमारे जो रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं उन्होंने कन्वेंशनल बैटल्स लड़ी हैं। आज की डेट में जो बैटल्स हैं वो सब कन्वेंशनल लेवल पे लड़ी जा रही हैं। आज की डेट में हाइब्रिड वॉर का थ्रेट है, और हाइब्रिड वॉर का जो थ्रेट है उस टाइम पे नहीं था जब ये लोग कन्वेंशनल बैटल लड़ते थे। तो ये कॉम्बैट रेडीनेस को अपने नजरिए से देख रहे हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन हम कॉम्बैट रेडीनेस हाइब्रिड वॉर के नजरिए से और टेक्नोलॉजी के नजरिए से देख रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म वैलिड भी है, लेकिन क्रिटिसिज्म का काउंटर भी है। दूसरा, यहां पर ये लोग बोलते हैं रिटायर्ड आर्मी के अफसरों से एक थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म दूसरा वो आया कि यदि आप किसी इंसान को 4 साल के लिए रखेंगे और उसके बाद उसको पता है कि वो एक 25% कैटेगरी में तो अगर ना आने वाला हुआ और 75% कैटेगरी का हुआ तो वो रिस्क ही नहीं लेगा, हमें आर्म्ड फोर्सेज में ऐसे लोग चाहिए हु आर नॉट एवर्स टू टेकिंग रिस्क, बिकॉज आपका एडवर्सरी, आपका जो वैरी है, वो आपके ऊपर कहीं से भी कभी भी आक्रमण करके अटैक कर सकता है। देखिए, ये बात बोलना एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, ये क्रिटिसिज्म फिर वैलिड है कि अगर आप 4 साल के लिए रखेंगे तो वेदर ही विल टेक रिस्क और नॉट, बट दैट इज सब्जेक्टिव। इफ somebody इज बीइंग रिक्रूटेड इन द आर्म्ड फोर्सेस, somebody नोज दे विल ले डाउन देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री, तो ये बात बोलना सब्जेक्टिव रहेगा। दो, क्रिटिसिज्म के परस्पेक्टिव से वैलिड क्रिटिसिज्म है। तीसरा है पोटेंशियल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नेपोटिज्म। अभी हमने एक चीज देखी दोस्तों कि 25% को रिटेन करेंगे बेस्ड ऑन 3 पॉइंट क्राइटेरिया कि मेरिट होना चाहिए। देखिए, मेरिट इज समथिंग यू कैन मेजर बिकॉज यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड एंड से कि नो, दिस पर्सन हैज डन अ गुड जॉब, ही हैज डन अ गुड ड्यूटी, ही डिजर्व्स टू बी इन द फोर्स, वी विल कीप हिम। बट देन द सेकेंड इज विलिंगनेस, आई मे बी विलिंग बट माई सुपीरियर डज नॉट अंडरस्टैंड, आई मे बी विलिंग, आई मे बी फिजिकली फिट, यू कैन प्रूव माई फिजिकल फिटनेस, इफ आई हैव अ फिजिकल डिफॉर्मिटी यू कैन थ्रो मी आउट। बट जो एक पॉइंट है ना विलिंगनेस वाला, वहां पर ये पॉइंट आ जाता है नेपोटिज्म। तो ये मानना है एक सेक्शन का, वर्ग का, कि भाई उस विलिंगनेस को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आदमी अपना विलिंगनेस दिखाएगा, सुपीरियर जो है नाटक करेगा, तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का कल्चर आने की पॉसिबिलिटी है। चौथा, ये फाइटिंग स्पिरिट को इम्पैक्ट करेगा, एक ही क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्योंकि अब ये बोला जा रहा है कि अगर एक कॉम्बैट जोन में जाने के लिए एक सोल्जर को 7 से 8 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो कड़ी मेहनत करने के बाद
यहाँ पर उसके सामने एक नया सोल्जर आ रहा है जो 2 से 3 साल में रेडी होके आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या वो 7 से 8 साल वाला जो बैटल रेडी सोल्जर है, क्या वो इस 3 से 4 साल वाले बैटल रेडी सोल्जर के साथ मिल पाएगा? इन दोनों के मेल के थ्रू क्या वो कल को एक सिचुएशन में कलेक्टिवली काम कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो पूरी फाइटिंग स्पिरिट है वो एडवर्सरी के सामने वीकन कर जाए। तो ये एक थॉट गवर्नमेंट को ध्यान में देना होगा। अब व्हाट इज द बॉटम लाइन? द बॉटम लाइन इज सिंपल बॉस, वी हैव टू इनकल्केट इन दीज अग्निवीर्स द कोर कल्चर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नाम नमक निशान। कोई भी आर्म्ड फोर्स का सोल्जर जो है दोस्तों, नाम नमक और निशान के लिए जीता है, अपने बटालियन का नाम, उसका नमक फिडेलिटी और निशान उसका जो इनसाइन है। अगर ये कल्चर हम लोग इनकल्केट कर देते हैं अपने अग्निवीरों में, तो एक चीज तय है दोस्तों कि हमारे जो अग्निवीर हैं दे विल नेवर विटनेस दैट प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ इम्पैक्टिंग द फाइटिंग स्पिरिट। तो ये इम्पैक्टिंग फाइटिंग स्पिरिट का भी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया कि आप ये नाम नमक निशान का कल्चर इनकल्केट कर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों ये तो इशू हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से आपको पता है कि क्वेश्चन बैकवर्ड लिंकेज पे आता है, और बैकवर्ड लिंकेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई इशू न्यूज में चल रहा है वो इशू के रिलेटेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो यूपीएससी उसको लिंक करके प्रीलिम्स और मेंस में सवाल बनाता है। मैं जो आपको अनअकैडमी पे करंट अफेयर्स प्लस पे करा रहा हूं, जो हमारा 6 जून से स्टार्ट हुआ है 2023 के लिए, उसमें हम लोग बहुत डिटेल्ड एनालिसिस बैकवर्ड लिंकेजेस का कर रहे हैं। उसी का पॉइंट और थॉट को दिमाग में रखते हुए इस इशू के बारे में क्या क्या बैकवर्ड लिंकेजेस और ऐसे थॉट्स बनते हैं वो ये हैं। तो इस इशू के लिए आप कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट पे सवाल आना और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। फुल स्पेक्ट्रम कॉन्फ्लिक्ट्स और हाइब्रिड वॉर्स जैसा मैंने आपको बताया वो आपको इस बुक में भी मेरे मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 में ही पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड है वहां पे। एयरफोर्स एंड स्पेस वॉर्स, इस किताब में मैंने एक जगह पर पूरा एयरफोर्स का क्या रोल होना चाहिए, एनविसाज्ड रोल, प्रेजेंट रोल, स्पेस में उसका क्या है उसके बारे में चर्चा की हुई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में आप गूगल से जाके एक बेसिक रिसर्च करके एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। और इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर और पब्लिक फाइनेंस फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, कि पब्लिक फाइनेंस को लेके क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, पब्लिक फाइनेंस और डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेके क्वेश्चन मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों जगह आ सकता है। ये इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है दोस्तों, ये गवर्नेंस में भी आ सकता है पेपर 2 में, तो ये दोनों जगह आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसी टॉपिक को लेके जो 3 एस्से के थॉट हमारे दिमाग में हमें दिखते हैं वो है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस थॉट के ऊपर एक एस्से की पॉसिबिलिटी इस साल अब बन जाती है। फ्यूचर ऑफ वॉर्स, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इन वॉर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी यूपीएससी ने 2 साल पहले एस्से दिया टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी इन वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये न्यूज में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रोल ऑफ यूथ, डिसिप्लिन, नेशनल सिक्योरिटी। ये थॉट्स को दिमाग में ब्रॉडली रखिएगा। तो ये इस टॉपिक के बारे में टोटेलिटी में इंफॉर्मेशन है। अब कीपिंग दिस इन माइंड, आप जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ, आंसर राइटिंग पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, पॉलिटी का कोर्स आने वाला है, गवर्नेंस का कोर्स आने वाला है, साथ में हम लोग स्पेशल क्लासेस पे भी पढ़ते हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पे। और दोस्तों 13 जून से 15 जून आज की डेट में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन मिलेगा आपको, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल का या उससे ऊपर का लेते हैं। PAVIS कोड का प्रयोग कीजिए, PAVIS कोड से आपको 6 मंथ एक्सटेंशन भी मिलेगा, और एक्सटेंशन के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंटली 10% का आपको डिस्काउंट भी अपने सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। तो PAVIS कोड को यूज कीजिए, 15 जून तक ये ऑफर है, इसका तुरंत प्रयोग कीजिए। CSE के अभी हमारे जो बैचेस हैं 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बैचेस जो हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल दोनों हैं। साथ में अभी पूरा 5 जून से ऑप्शनल्स भी स्टार्ट हो गए हैं सारे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शनल आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो
तो आप अपने सब्सक्रिप्शन रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर चाहते हैं तो 0% EMI पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको मदद मिलेगी एंड वी विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम। डाउट सॉल्विंग सेशन है अन अकेडमी पे, तो ये इस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।